सुशांत केस में संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। राउत ने कहा कि सुशांत के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं। राउत ने कहा कि सुशांत केस निर्णायक मोड़ पर था, लेकिन केस सीबीआई को सौंपा गया। सुशांत केस में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बीजेपी कार्यकर्ता कहा कि खुद ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। सुशांत केस में रिया और उनके परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती से ईडी कल फिर से पूछताछ करेगी। ईडी ने रिया को दूसरी बार समन भेजा है। कल दोपहर 12 बजे ईडी दफ्तर रिया को पहुंचना है। सुशांत की मौत मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई भी लगातार जांच में जुटी हुई है। अगले हफ्ते सीबीआई सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज कर सकती है। सुशांत मामले में एक और जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम पर 4.5 करोड़ की एफडी करवाई थी। हालांकि सुशांत ने बाद में अपनी एफडी को कम कराकर 2 करोड़ कर दिया था। बाकी 2.5 करोड़ का क्या हुआ उसकी जांच चल रही है। रिया के भाई पर पैसे गबन करने का शक है। रिया के नोटबुक में सुशांत की हैंडराइटिंग वाले पेपर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया में सुशांत के फैन ने रिया के नोटबुक में लिखी बातों को फर्जी कहा। सोशल मीडिया पर सुशांत के लिखे एक नोट को रिया के नोटबुक से मिलाया जा रहा है। रिया के नोटबुक में सुशांत की हैंडराइटिंग को गलत बताकर रिया की आलोचना हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के घिरे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से सील किया। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हामिद को गोली मारी गई। बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। आनंद फानंद में अब्दुल हामिद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक है। बातचीत में भारत ने डेप्सांग के मैदानी इलाकों से सैनिकों को हटाने का मुद्दा उठाया है। डेप्सांग के विपरीत दिशा में लगभग 15,000 चीनी सैनिकों का जमावड़ा है। कोरोना संकट के बीच में पीएम मोदी ने किसानों को सौगात दी। 1,00,000 करोड़ की योजना लॉन्च की। 5 करोड़ किसानों को छठी किश्त के लिए पीएम मोदी ने फंड जारी किया है। किसानों के खातों में सीधे 2,000 दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय ने 101 आइटम्स के आयात पर रोक लगाई। लिस्ट में सामान्य पार्ट्स के अलावा कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल हैं। अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को दिए जाएंगे करीब 4,00,000 करोड़ रुपए के ठेके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में विधायकों से लोकतंत्र बचाने की अपील की गई। गहलोत ने कहा कि किसी भी पार्टी के एमएलए हों, जनता की आवाज सुने। 1.5 साल में सरकार ने विकास के लिए हर संभव कोशिश की है। चिट्ठी में गहलोत ने कहा कि हमारे साथी और विपक्ष सरकार गिराना चाहते हैं। आप किसी भी पार्टी के विधायक हों, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए जनता की आवाज सुने। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच में बीजेपी भी अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है। बीजेपी ने अपने कुछ विधायकों को गुजरात शिफ्ट कर दिया। राजस्थान के 6 बीजेपी विधायकों ने सोमनाथ के दर्शन किए। फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड है। संजय दत्त ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कहा कि 1-2 दिन में घर वापस आ जाऊंगा। राजस्थान के उदयपुर से बीजेपी विधायकों ने श्यामला जी मंदिर के बाहर फोटो खिंचाई, वायरल की। फोटो में उदयपुर जिले के 5 विधायक नजर आ रहे हैं। राजस्थान की सियासत का केंद्र इन दिनों जैसलमेर बना हुआ है। सरकार के मंत्री और विधायक जैसलमेर में ही डेरा डाले हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की तबियत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। अभिषेक बच्चन कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे। बोले, अपने घर आकर बेहद खुश हूं। मैंने कहा था कोरोना को हरा दूंगा। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 64,399 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 886 मरीजों की मौत हुई है। मौत का कुल आंकड़ा 43,379 तक पहुंच चुका है, जबकि 14,80,885 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं।
देश में कोरोना के कुल केस 21,53,011 तक पहुंचे हैं। फिलहाल 6,28,747 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में कोरोना के 1,171 नए केस सामने आए हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब तक राज्य में 51,328 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र है। यहां पिछले 24 घंटों में 12,822 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 5,00,000 के पार है। आगरा में क्वारंटीन सेंटर्स पर अब कोरोना संक्रमितों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। आरोप है कि खाने में भी कीड़े निकल रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 2,90,907 हो गया है। इसमें 4,808 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,404 केस सामने आए हैं। वहीं 16 मरीजों की मौत भी हो गई है। बिहार में कोरोना से अब तक 75,786 लोग कोरोना संक्रमित हैं। 419 लोगों की मौत हो चुकी है। जोधपुर में एक ही परिवार के 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। खेत में शव पड़े हुए मिले। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। लखनऊ में मुख्तार अंसारी का करीबी राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का एनकाउंटर हुआ। राकेश पर 1,00,000 का इनाम था। राकेश पांडे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय हत्या का आरोप है। लखनऊ के सरोजनी नगर में एसटीएफ ने राकेश पांडे का एनकाउंटर किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड केयर सेंटर आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया। आग लगने से 11 मरीजों की मौत हो गई। होटल में 30 मरीजों का रेस्क्यू किया गया। विजयवाड़ा के होटल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। यूपी के रामपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। पुलिस को दंगा भड़काने को लेकर धमकी मिली है। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज करवाया। नंबरों को ट्रेस करने के लिए कई टीमों को लगाया गया। राजस्थान के सीकर में बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऑटो ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार किया था।